हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं MIUI 13 के अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर पोको का जो M2 Pro है एज वेल जो Redmi Note 9 Pro Max एंड Redmi Note 9 Pro डिवाइस है उसके लिए जो है MIUI 13 का जो अपडेट है Android 12 के साथ जो है बहुत ही जल्दी जो है रिलीज होने वाला है। एंड यहाँ पर ऑफिशियली MIUI 13 का जो अपडेट है Android 12 के साथ Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max एंड Poco M2 Pro डिवाइस के लिए जो है बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है हमें इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो Poco M2 Pro डिवाइस है एंड Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस है इसके लिए जो है Android 12 का जो अपडेट है आपको MIUI 13 के साथ देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अभी फिलहाल जो है Xiaomi के ऊपर जो है इंटरनल टेस्टिंग हो रहा है एंड यहाँ पर लगभग 5 to 6 महीने के बाद आपको जो है ये जो अपडेट है स्टेबल अपडेट की तरफ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रिसेंटली जो 22.2.10 का जो बिल्ड आया था, मतलब 10 February 2022 का जो बिल्ड है, उस बिल्ड के ऊपर जो है Poco M2 Pro डिवाइस एंड Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के ऊपर Android 12 के साथ जो है MIUI 13 काम कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो डेफिनेटली जो है लगभग जून जुलाई के आसपास जो है आपको यहाँ पर Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max एंड Poco M2 Pro डिवाइस के ऊपर जो Android 12 का अपडेट है ऑफिशियली MIUI 13 के साथ देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बढ़िया बात है। क्योंकि यहाँ पर जो MIUI 13 का अपडेट है उसके साथ जो है Android 11 को रिलीज नहीं किया गया है Poco M2 Pro डिवाइस एंड Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के लिए। तो इसलिए जो है बहुत ही जल्दी हमें Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस एज वेल जो Poco M2 Pro डिवाइस है इसके लिए जो है MIUI 13 का जो अपडेट है Android 12 के साथ ही देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। डेफिनेटली यहाँ पर जो है अभी फिलहाल टेस्टिंग हो रहा है, टेस्टिंग होने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो Mi Pilot यूजर्स है उसके ऊपर सबसे पहले बिल्ड को जो है रोल आउट किया जाएगा। उसके बाद जो है स्टेबल अपडेट रिलीज होने में लगभग आपको यहाँ पर जून जुलाई के आसपास देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास जो है Redmi Note 9 Pro, 9 Pro Max डिवाइस है और Poco M2 Pro डिवाइस है, तो डेफिनेटली आपके डिवाइस के लिए जो है ऑफिशियली MIUI 13 के अपडेट के साथ जो है Android 12 रिलीज होने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ये जो अपडेट है ऑफकोर्स इंडिया के लिए एज वेल जो ग्लोबल यूजर है सभी के लिए देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया बात है। बट आपको यहाँ पर वेट करने को लगभग जून जुलाई के आसपास ये जो अपडेट है रिलीज होगा। एंड पहला जो अपडेट आएगा डेफिनेटली उस अपडेट के ऊपर आपको कुछ बग्स देने को मिल सकते हैं, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो भी शायद इतना बढ़िया ना हो। MIUI 13 एंड MIUI 12 के ऊपर ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा कुछ नया ऑप्शन आपको देने को नहीं मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास है MIUI 2 डिवाइस एंड MIUI 2 डिवाइस के ऊपर हमने MIUI 13 को इंस्टॉल किया है। MIUI 13 के साथ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, इवन नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है वो भी अवेलेबल नहीं है, नया वाला जो यूजर्स है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर MIUI 13 जो है बेसिकली 2-3 फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि जो साइड बार का फीचर से इसे ऐड किया गया है MIUI 13 के साथ, जो साइड बार का ऑप्शन से ये देखने को मिलेगा MIUI 13 के साथ जो है विजर्स है वो देखने को मिलेगा इंडिया के ऊपर। एंड नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बट बहुत ही जल्दी नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है आपको देखने को मिलेगा MIUI 13 के साथ अपने Redmi Note 9 Pro, 9 Pro Max एंड Poco M2 Pro डिवाइस के ऊपर। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के सेट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। Poco M2 Pro एंड Redmi Note 9 Pro डिवाइस के लिए ये जो अपडेट हमें देने को मिला है 22.2.10 का जो अपडेट है फिलहाल इंटरनल टेस्टिंग है, लगभग 5 to 6 महीने आपको वेट करना होगा जून जुलाई के आसपास जो है Redmi Note 9 Pro, 9 Pro Max डिवाइस के लिए जो है और एज वेल जो Poco M2 Pro डिवाइस है इसके लिए जो है स्टेबल अपडेट रिलीज होगा। एंड स्टेबल अपडेट का मतलब नहीं है भाई सब कोई भी बग नहीं होगा, आपको जो है बग भी देने को मिल सकता है। तो अपडेट करने से पहले अच्छे से जो है अपडेट के साथ जो है क्या क्या इशू है उसके बारे में जो है जान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नया अपडेट के साथ साथ जो आपको नया बग भी देने को मिलेगा MIUI 13 के साथ, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।